नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों, रेबेल स्टार प्रभास के अपकमिंग मूवी आदि पुरुष को लेके अभी से जिस हिसाब से लोगों में चर्चा है, मुझे नहीं लगता इस मूवी के पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के लिए कोई पैसा खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, रामायण एक ऐसी स्टोरी है जिनके बारे में सभी तो जानते हैं और देखना भी चाहेगा। इतने में अगर ये मूवी बहुत बड़े बजट से बनाया जाए तो दोस्तों हर कोई इस मूवी के लिए एक्साइटेड होंगे। ऊपर से दोस्तों मूवी को 3D पे बनाया जाएगा, तो इस मूवी के कस्ट्यूम ग्राफिक्स कितने हाई प्रोफाइल के साथ आप लोगों को देखने को मिल सकता है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। साथ ही साथ इस मूवी के यानी दोस्तों आदि पुरुष मूवी के अभी भी बहुत ही कन्फर्म करना बाकी है कास्टिंग रोल के लिए। लेकिन इस मूवी के सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है रावण का रोल, जो कि दोस्तों सैफ अली खान निभा रहा है। बाकी दोस्तों, इस मूवी में सीता के रोल में कौन होगा अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुए। लेकिन दोस्तों, अफवाह पे चल रहा था सीता के रोल के लिए और कोई नहीं बल्कि कीर्ति सुरेश को लिया जाएगा। वही दोस्तों, इस मूवी के और एक जबरदस्त कैरेक्टर जो कि है लक्ष्मण का रोल कौन प्ले करेंगे अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुए। लेकिन दोस्तों, रिपोर्टिंग की जानकारी के अनुसार लक्ष्मण का रोल निभाने वाला कोई बॉलीवुड से होगा, हो सकता है वो शाहिद कपूर हो या हो विद्युत जामाल। आदि पुरुष जो कि दोस्तों एक हिस्ट्रिकल ड्रामा पीरियड मूवी होंगे प्रभास की। इस मूवी को पूरे 5 भाषाओं के साथ रिलीज किया जाएगा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ा। यानी दोस्तों, फिल्म ओरिजिनली तेलुगु भाषाओं के साथ शूट किया जा रहा है और फिल्म को साथ ही साथ तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ा पे एक ही साथ डब करके रिलीज की जाएगी। स्टार कास्ट पे बात दोहरा जाए तो दोस्तों प्रभास को एज ए राम और सैफ अली खान एज ए रावण के रोल में होंगे और शायद हो सकता है कीर्ति सुरेश जो है एज ए सीता के रोल में हो। फिल्म दोस्तों ऑल्सो 3D पे बनाया जाएगा। अगर दोस्तों बजट पे बात दोहराया जाए तो दोस्तों इस मूवी के बजट को जान के आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि इस मूवी का जो टोटल बजट है पूरे 500 करोड़ रुपए। जबकि दोस्तों इतने बड़े अमाउंट से आज तक इंडिया हिस्ट्री में कोई भी मूवी नहीं बने और इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की जा रही है। 2022 पे ये मूवी रिलीज हो सकता है। अगर स्क्रीन काउंट की बात की जाए तो दोस्तों 10,000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर ये मूवी रिलीज की जाएगी। और दोस्तों अभी से जिस हिसाब से लोगों में चर्चा है इस मूवी के बारे में, रिलीज होते ही रिलीज के पहले दिन 200 से लेकर 250 करोड़ का ओपनिंग ले सकते हैं, जबकि दोस्तों लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकते हैं पूरे 4,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है, आदि पुरुष मूवी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी और क्या हो जाएगी ब्लॉकबस्टर, हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर वाला हिट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप प्रभास के फैन हो, इस वीडियो के अभी को अभी लाइक करें। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।